मैं चलिए आपको अयोध्या वासियों की बात सुना देती हूँ सर। कुमार कुंदन हमारे सहयोगी इससे पहले भी बहुत तीर्थ स्थलों पर गए हैं, वहां से भी उन्होंने रिपोर्ट्स फाइल की है। आज अयोध्या में उनके महीने भर से ज्यादा से मौजूदगी है। आम अयोध्यावासी इस विकास को कैसे देख रहा है कुंदन, क्योंकि आज जिस लिहाज से हम चर्चा करते हैं तो सवाल पता नहीं क्यों विपक्ष दूसरे मुद्दों का उठाते हुए इस मामले को ही डीरेल कर रहा है। ऐसे नहीं चलेगा तो दुपट्टा आप। सर सर एक बात बताइए कि ये जो अयोध्या में डेवलपमेंट हो रहा है और जितने लोग आ रहे हैं, बीइंग ए मार्केटिंग के हिसाब से इसको कैसे देखते हैं आप? कितना इसका कारोबार बढ़ेगा, कितना आर्थिक पहलू सुदृढ़ होगा? यूपी सुरक बन गई है, पूरी यूपी के अंदर बहुत बढ़िया कारोबार होगा, लोगों की बहुत अच्छी भावना है। रामलला विराजमान है हो गए हैं, आज बहुत ही अच्छी आराम से दर्शन हो पाए हैं, सब लोग बहुत आराम से दर्शन कर पाए हैं, बहुत अच्छी व्यवस्था है, अंदर जाके दर्शन करके आए हैं, एकदम इजी प्रशासन की बहुत बढ़िया व्यवस्था है। आर्थिक आर्थिक पहलू और सुदृढ़ आर्थिक बोले बहुत सुदृढ़ होगा, यहाँ अच्छे होटल आएंगे, अच्छे खाने पीने की व्यवस्था आएगी, अच्छी हर आदमी को रोजगार मिलेगा। राम मंदिर आपको लगता है मंदिर बनने से लोगों का बाजार कितना अच्छा होगा, कारोबार कितना अच्छा होगा? कारोबार तो बढ़ेगा जब वहाँ पब्लिक आएगी, इंसान आएगा तो कारोबार अपने आप बढ़ेगा। होटल्स बढ़ेंगे तो होटल बनाने के लिए कारीगर भी लगेंगे तो मजदूरी मिलेगी उनको, काम तो मिलेगा ही। आपको लगता है काम बढ़ेगा लोगों का? बिल्कुल बढ़ेगा। देखिए यहाँ साक्षात रामलला श्री राम जी विराजमान हो गए हैं अपने महल में, तो ये तो सभी को दिख रहा है कि अयोध्या की जो एक कहना चाहिए जो ख्याति है वो पूरे देश भर में जो है बहुत अच्छे से होगी। और पहले लोग अयोध्या को उतना नहीं जानते थे, लेकिन अब ये जो भव्य मंदिर बना है पूरे देश विदेशों में जाना जाएगा, पूरे भारत में, और लोगों को रोजगार भी मिलेगा। सर एक बात बताइए, रोजगार के कितने अवसर होंगे? आस्था के साथ आर्थिक पहलू कितना मजबूत होगा? आस्था के साथ आर्थिक पहलू बहुत मजबूत होगा सर जी, जिस हिसाब से भक्तजन आ रहे हैं तो रोजगार की व्यवस्था खूब ज्यादा होगी। आप अपन सोच नहीं सकते उस तरीके की रोजगार की व्यवस्था होगी यहाँ पे, जिसका कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है अभी तक। लोगों को काम ज्यादा मिलेगा लगता है मैम? मिलेगा, काम तो बहुत ज्यादा मिलेगा, हाँ पूरा मिलेगा। तो इतनी मजदूरी मिलेगी जब होटल्स बनेंगे अच्छे अच्छे, तो मजदूर चाहिएंगे उनको, तो मजदूर को मजदूरी देनी पड़ेगी, तभी तो आर्थिक विकास होगा। इस भव्य मंदिर के बाद टूरिज्म इतना ज्यादा बढ़ने वाला है पूरे भारत में, आप देखेंगे कि अयोध्या का एक अलग ही नाम होगा और यहाँ पे फाइव स्टार होटल से लेकर ठीक है हर तो ये होटल अयोध्या पहुंचे तमाम श्रद्धालुओं की राय भी हमने अपने दर्शकों को दिखाई। डॉक्टर वरुण पुरोहित हमारे साथ मौजूद हैं। मैं पुरोहित जी आपके पास आऊंगा, लेकिन मुझे बताया जा रहा है कि इस वक्त एक अहम खबर आ रही है, 4 फरवरी को अयोध्या जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह, ये जानकारी सामने आ रही है। तो गृह मंत्री अमित शाह का 4 फरवरी को अयोध्या दौरा होगा, 1 फरवरी को यूपी के मंत्री दर्शन करेंगे, 2 फरवरी को उत्तराखंड सरकार के तमाम मंत्री रामलला के दर्शन करेंगे, 3 फरवरी को राजस्थान के तमाम मंत्री दर्शन करेंगे रामलला के। तो ये देखिए ये अहम जानकारी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के अयोध्या दौरे से जुड़ी सामने आ रही। तो देखिए ये अहम खबर है, 4 फरवरी को अयोध्या जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह और 1 फरवरी को यूपी की योगी सरकार के तमाम मंत्री रामलला के दर्शन करेंगे। पंकज झा हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज, क्या डिटेल सामने आ रही है बीजेपी के तमाम नेताओं के अयोध्या दौरे से जुड़ी? देखिए आप जानते ही होंगे कि कल जिस तरीके से भीड़ श्रद्धालुओं की आ गई थी, उसके बाद जो बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व है उनको यहाँ आना था, उस कार्यक्रम में बदलाव हुआ है। लेकिन मुख्यमंत्री कार्यालय यानी योगी आदित्यनाथ के ऑफिस से जो जानकारी मिली है उसमें ये हुआ है कि 1 फरवरी को यानी 1 फरवरी को योगी आदित्यनाथ यहाँ आएंगे, उनके साथ पूरा यूपी का मंत्रिमंडल होगा, कैबिनेट मंत्री भी होंगे, सचिन कुमार के राज्य मंत्री और राज्य मंत्री भी। उन्हीं के पास जानकारी आई है कि 2 फरवरी को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री अपने सभी मंत्रियों के साथ आएंगे, 3 फरवरी को राजस्थान के जो मुख्यमंत्री है भजन लाल वो अपने मंत्रिमंडल के साथ यहाँ रामलला के दर्शन करने आएंगे, और 4 फरवरी को जो पहले से हम अपने पास जानकारी है तो जानते हैं कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहाँ अयोध्या आकर रामलला के दर्शन करेंगे। और ये बदलाव जो किया गया कार्यक्रम में तो इसीलिए कि श्रद्धालुओं की भीड़ तब तक कम हो जाएगी, कल 5 लाख लोगों ने दर्शन किए थे, आज यहाँ पे व्यवस्थित रूप से लोग दर्शन कर रहे हैं, जब ये श्रद्धालुओं की संख्या कम हो जाएगी तो ये सारे जो गणमान्य व्यक्ति हैं मुख्यमंत्री और अमित शाह जी वो यहाँ आएंगे और रामलला के दर्शन करेंगे। चलिए शुक्रिया आपका पंकज इस ताजा जानकारी और अपडेट के लिए। तो भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता रामलला के दर्शन करेंगे, फरवरी में तारीखें सामने आ गई हैं, यानी फिलहाल इस महीने में
कोई बड़ा नेता बीजेपी का अब रामलला के दर्शन करने के लिए नहीं पहुंच रहा है, और इसकी एक बड़ी वजह यह है कि इस वक्त लाखों की संख्या में राम भक्त अयोध्या पहुंच रहे हैं, और इसी वजह से बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी रामलला के दर्शन का अपना कार्यक्रम स्थगित किया था। और एक बार फिर लौटते हैं, अपने खास मेहमानों का रुख करते हैं, लेकिन उससे पहले समीर एक और सबसे बड़ी खबर का रुख करना चाहेंगे, क्योंकि अयोध्या में विकास की आज हम बात कर रहे हैं, तो अयोध्या में व्यापार को लेकर CAIT का भी बड़ा दावा है। और आपको बता दें, अयोध्या में लगभग 5 लाख करोड़ के निवेश की बात कही जा रही है, अयोध्या में व्यापार की बढ़ती संभावनाओं की बात कही गई है, और लोगों को रोजगार के जिस तरीके से अवसर मिलेंगे उसको लेकर भी बड़े दावे किए गए हैं। श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के कारण से पिछले दिनों में लगभग 1.25 लाख करोड़ रुपए का कारोबार हुआ, जिसमें व्यापारियों ने पूरे देश भर के अंदर 1.5 लाख से ज्यादा कार्यक्रमों को आयोजित किया। जिन 1.5 लाख कार्यक्रमों के अंतर्गत राम सेवा के कार्यक्रम हुए, राम फेरी हुई, शोभा यात्राएं हुई, 2000 से ज्यादा संगीतमय सुंदरकांड के पाठ हुए, हनुमान चालीसा हुई, और इस प्रकार के बहुत सारे कार्यक्रम देश के अंदर आयोजित किए गए।